सो अब हमें रिकेट्सिया पढ़ना है, तो लेट स्टार्ट. दीज आर सिंपल. रिकेट्सिया सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. तीन पॉइंट यहाँ से बन गए. दे हैव मे बी रॉड शेप, स्फेरिकल और प्लियोमॉर्फिक इन शेप. इनकी शेप रॉड शेप हो सकती है, स्फेरिकल अंडाकार शेप हो सकती है, और प्लियोमॉर्फिक शेप भी हो सकती है. प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो प्लियोमॉर्फिज्म करते हैं. प्लियोमॉर्फिज्म मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार वो अपनी मॉर्फोलॉजी को, अपने बायोलॉजिकल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, अपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चेंज कर लेते हैं, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. और वही ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं जैसे कि प्लियोमॉर्फिक इन शेप में चेंज हो जाते हैं. प्लियोमॉर्फिज्म करेंगे, मॉर्फोलॉजी अपनी चेंज करेंगे और किसी ना किसी और शेप में चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन. यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ वो अपनी मॉर्फोलॉजी को अल्टर करते हैं. अल्टर यानी कि चेंज करते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ रिकेट्सिया आर इंटरमीडिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ये बैक्टीरिया और वायरसेस के बीच में लाई करता है. हम ये नहीं कह सकते ये रिकेट्सिया प्योरली बैक्टीरिया है, या ये नहीं कह सकते कि प्योरली वायरस है. ये बीच में लाई करता है. सो दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन मेनी वेज, इंक्लूडिंग ये वायरस से बहुत अलग होते हैं, जैसे कि इनकी केमिकल, मेटाबॉलिक, रिप्रोडक्टिव, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. इसीलिए हम प्योरली इसे वायरस भी नहीं बोल सकते. दे आर पैरासाइट्स विच कैन ग्रो ओनली इन लिविंग टिश्यू. ये पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट यानी कि लिविंग टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन नरिशमेंट लेते हैं. दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन लेबोरेटरी मीडिया बट कैन बी कल्टिवेटेड इन टिश्यू कल्चर मीडिया. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन लेबोरेटरी मीडिया, यानी कि लेबोरेटरी मीडिया से ये ग्रो नहीं कर सकते. लेबोरेटरी मीडिया यानी अगर की प्लेट पर ये ग्रो नहीं कर सकते. बट कैन बी कल्टिवेटेड ऑन टिश्यू कल्चर मीडिया. टिश्यू कल्चर मीडिया यानी कि सेल कल्चर, एम्ब्रियोनिक एग कल्चर. इन कंडीशंस में क्या होता है कि टिश्यू कल्चर कंडीशन के अंदर कि सेल को हम लेते हैं, प्लांट या एनिमल, किसी की भी सेल लेते हैं, देन उसे अल्टर करते हैं और उसके अंदर रिकेट्सिया को इंजेक्ट कर देते हैं और फिर उसे ऐसे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो उसे रिक्वायर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके. सो ये होता है टिश्यू कल्चर मीडिया. सेल कल्चर से कर सकते हैं या एम्ब्रियोनिक एग के अंदर डायरेक्टली हम डाल सकते हैं रिकेट्सिया को, देन उसके बाद उसे ग्रोथ करवा सकते हैं उसकी फेवरेबल कंडीशन के अनुसार. जो उसकी कंडीशन चाहिए उसे हम देंगे. दे हैव टिपिकल सेल वॉल. इनके पास टिपिकल सेल वॉल होता है. रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल प्रोसेस. एसेक्सुअल प्रोसेस इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. सेल वॉल एकदम टिपिकल होता है, यानी कि न्यूक्लियस भी एकदम वेल डिफाइंड होगा. सेल वॉल टिपिकल पॉलीसेक्राइड, लिग्निन, सेलुलोज इन सब की बनी होगी, हार्ड होगी. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है. एसेक्सुअल में बहुत सारे मेथड आते हैं, तो ये बाइनरी फिजन से अपनी प्रोजेनी को बढ़ाता है आगे. बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म बड़ा होगा, न्यूक्लियस जो है वो डबल होंगे, डॉटर सेल्स न्यूक्लियाई बनेंगे. ये होता है बाइनरी फिजन, जिसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगी पीछे में वीडियो की सबसे लास्ट में. केमिकली रिकेट्सिया कंटेन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. केमिकली रिकेट्सिया के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. प्रोटीन, सेल वॉल प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम होते हैं. इतनी सारी चीज़ें होती है रिकेट्सिया में. ना पैथोजेनिक रिकेट्सिया. पैथोजेनिक रिकेट्सिया यानी कि जो बीमारी कॉज करते हैं, जो डिजीज़ फैलाते हैं, इनवेड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड मैन. किसी में भी घुस सकता है ये. द डिजीज़ कॉज बाय रिकेट्सिया आर नोन एज रिकेट्सियोसिस. इसको रिकेट्सियोसिस बोलते हैं. अगर किसी को बीमारी है रिकेट्स की तो इसे बोलेंगे रिकेट्सियोसिस. एग्जाम्पल है टाइफस फीवर एंड रिलेटेड डिजीज आर कॉज बाय रिकेट्सिया. टाइफस फीवर के अंदर क्या होता है कि रैशेज हो जाते हैं बॉडी पर, स्किन के ऊपर, सारी स्किन के ऊपर रैशेज हो जाएंगे, कहीं कहीं पर छोड़ के, लाइक पाल्म ऑफ दी हैंड, बॉटम ऑफ दी फूट, इन सब को छोड़कर हर जगह पर स्किन के पूरे पार्ट पर रैशेज हो जाएंगे, जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है. और ये जो कॉज होता है वो फ्लाइज से, लाइस से, इन सब से
कॉज होता है, मतलब इन सब से बीमारी जो है ह्यूमन को फैलती है। नाउ रिकेट्सिया कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम माइकोप्लाज्मा करेंगे। थैंक यू सो मच।